अगर आप लोग दैनिक भास्कर पढ़ते होंगे तब आप लोगों को मालूम होगा कि दैनिक भास्कर की द्वारा एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं डेली और उनके आंसर आपको देने होते हैं। और ये आंसर देने के बाद हो सकता है कि आप भी कुछ इनाम के रूप में पा सकते हैं। और इस प्रतियोगिता में किस तरह से भाग लेंगे आप लोग, तो आप लोगों को इस नंबर पर अपने मोबाइल नंबर से कॉल करना होगा, 9190000072। इस पर जैसे ही आप लोग मिस कॉल करेंगे तो आपके नंबर पर एक SMS आएगा, यानी कि मैसेज आएगा। उसमें आपको लिंक दी गई होगी, वहां आप जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग एक होम पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भरनी होगी, बहुत ही साधारण जानकारी रहेगी, आराम से आप लोग भर लेंगे। उसके नीचे नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको देने होंगे। और याद रखिए इसकी लिंक आपकी सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक खुली रहती है। और इनमें जो भी विजेता बनता है उसका नाम अगले दिन जो दैनिक भास्कर आता है उसके पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात करें, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। आप सभी लोग जानते भी हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अजमेर किस सूफी संत के से संबंधित है? अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसमें होगा आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका तीसरा, किस आंदोलन में बापू ने करो या मरो का नारा दिया था? इनका कहने का मतलब है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहले में आपका अहमदाबाद, दूसरे या में आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और तीसरे में आपका होगा भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए तो हम लोग कल फिर से मिलेंगे, कल जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आंसर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इन्हें आप लोग वहां फिल कर सकते हैं।